हेलो गाइज, मैं प्रीति और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेकअप कैसे करना है और तीज के दिन सबसे सुंदर कैसे दिखना है। तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था साड़ी कलेक्शन, और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ मेकअप करने के लिए, जिससे ये सप्ताह जो तीज का स्पेशल सप्ताह चल रहा है वो बेस्ट बने। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पूजा की थाली को कैसे सजाएं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गेट स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले मैं फेस वॉश करूंगी। तो चूँकि मैं फेस वॉश करके बैठी हूँ, तो मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश। मैं ये क्लीन एंड क्लीन का फेस वॉश यूज कर रही हूँ, क्लीन एंड क्लियर का। मैं हिमालय का भी यूज करती हूँ, पर बेस्ट यही होता है आपके घर में जो अवेलेबल हो उससे आप फेसों को सबसे पहले क्लीन कर लें। उसके बारी होती है टोनर की। टोनर अप्लाई करें। टोनर अप्लाई करने का सही तरीका होता है हल्के से हाथों में इसे निकालें और डिप 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 करें। अगर कॉटन है तो कॉटन की मदद से भी आप इसे लगा सकते हैं। इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये जो हमारे फेस वॉश से जो गंदगी नहीं निकल पाती है वो टोनर इसे निकाल देता है और ओपन पोर्स को भी भर देता है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा इस पर भी अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हो गया था। इसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा हवा में इसको मैं सूखने देती हूँ। उसके बाद मैं यूज करूँगी प्राइमर। ये होममेड प्राइमर है, आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। मैं केमिकल को अपने चेहरे पर जाना नहीं लगने देती हूँ, इस कारण से मैं घर का ही होममेड यूज करती हूँ। आप लोग के लिए हो सके तो मैं होममेड प्राइमर कैसे बनाई हूँ मैं करके आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेंसर, लेकिन गर्मी का दिन है तो दोस्तों मैं बोलूँगी कि फाउंडेंसर को अवॉइड करें। लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम को यूज करें, एक बेस्ट रिजल्ट देता है मेकअप करते समय। आप लोग ने अभी तक नहीं खरीदा है तो इसका यूज करें। बस ध्यान रखें कि जब इसे हम यूज करें तो जब भी करें पीछे हैंड में करें, और इसके थोड़ी सी मात्रा में लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लेने से ना ये बहुत पैची और बहुत भद्दे भद्दे दिखते हैं। बहुत लोग ने ज़्यादा इसे लगा लेते कि ज़्यादा कवरेज देगा, लेकिन ये कम क्वांटिटी में भी अच्छा कवरेज देता है। इसे देख रही हूँ मैं कैसे फिंगर की मदद से डॉट डॉट बनाकर अप्लाई कर रही हूँ। इसे आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लेकर इसे ब्लेंड करूँगी। जिनके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है वो हाथों और अपने फिंगर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे ब्लेंड करते समय सभी अच्छे से मिलने होने चाहिए। देख रहे हैं कैसे मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखें कि मैंने स्किन को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ली हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, जो लैक्मे एब्सोल्युटली का है। इस सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी। कंसीलर का यू डार्क सर्कल, दाग धब्बे, ये सबको हटाने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बहुत लोगों के दाने पैचेस जो आ जाते हैं उसको भी ये भर देते हैं। इसको भी मैं जस्ट वैसे ही अप्लाई करूँगी, ये डार्क सर्कल के लिए बेस्ट होते हैं। कंसीलर होममेड कंसीलर का ही मैं यूज करती हूँ, लेकिन वो अभी मैं ख़त्म हो गया है। वो कैसे बनते हैं उसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी बनाकर आप लोग के कहने पर डाल दूँगी, ताकि आपको वो भी हेल्पफुल हो। कंसीलर का भी देख रही हूँ मैं पूरा फैलाते हुए यूज कर रही हूँ, ताकि जो भी मेरे डार्क हो, जहाँ जहाँ मेरे दाग धब्बे हैं वो सब भर जाए। क्योंकि ये तीज का मेकअप हो रहा है, कोई बर्थडे पार्टी का सिंपल मेकअप नहीं है। इसे हाई कवरेज के लिए मेकअप कर रही हूँ। इसे अपने हाथों से फैलाते हुए ऐसे मिला ले, ताकि ये पैची ना लगे। बहुत लोग हड़बड़ में मेकअप करते हैं और मिलाना भूल जाते हैं, और स्किन बहुत भद्दे दिखते हैं। जब मेकअप सभी मेकअप को अच्छे से सेट करते हुए मिला, इसके बाद मैं कम्पैक्ट का यूज करूँगी। कम्पैक्ट के लिए मैं मैबलिन का बीबी क्रीम बीबी यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप कोई भी कम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, और जिनके पास कम्पैक्ट नहीं है वो आप लूज पाउडर, वाइट टॉन या पॉन्स किसी का भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से कम्पैक्ट का यूज सिर्फ सेट करने के लिए होता है। मेकअप इसमें दो है, एक HD है, एक सिंपल पाउडर है। तीज का मेकअप है इसलिए मैं इसे
HD कंपैक्ट का यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर घर में सिंपल है, हाँ बस चेहरा करते समय ये कंपैक्ट को नेक पर लगाना ना भूलें, क्योंकि नेक भी हमारी स्किन से मिलता जुलता, यहाँ तक जितना पार्ट दिखता है वो सब सेम कलर का होना चाहिए। ये नहीं कि फेस वाइट हो जाए और नेक हल्के फीके रह जाए, इसीलिए नेक को ध्यान रखना है दोस्तों। जब कंपैक्ट मिक्स हो गया तो हमें आईज मेकअप की ओर चलते हैं। सबसे पहले करेंगे आईब्रो। सबसे पहले ये करेंगे आईब्रो। ये आईब्रो पेंसिल है, आप चाहते हैं तो आईशैडो पैलेट से भी इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आईब्रो पेंसिल का यूज करती हूँ। ये लेंथ को भी लॉन्ग कर देता है अगर आईब्रो शॉर्ट है तो। उसके बाद हम यूज करेंगे आईशैडो। आईशैडो के लिए मैं हल्के कलर यूज करती हूँ। ये मेरा आईशैडो पैलेट है, ये भी लैक्मे का ही है। इसके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आईशैडो पैलेट को ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत से घरों में ब्रश नहीं है तो मैं ब्रश और फिंगर दोनों की मदद से आपको इस वीडियो में अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं पिंक कलर के चूज कर रही हूँ क्योंकि HD मेकअप तीज के लिए मेकअप कर रहे हैं, HD मेकअप कर रहे हैं, थोड़ा हाई मेकअप कर रहे हैं, कोई लो मेकअप हो नहीं रहा है। दो कलर चूज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही एक ही कलर को अच्छे से फील करें एंड बेटर। देख रहे हैं ये मैं कैसे कर रही हूँ, ये दब फिंगर से भी बेस्ट हो रहे हैं। अब मैं ब्रश की मदद से आपको इस आँख में करके दिखाऊंगी, बस ये मिले होने चाहिए, ध्यान दे कहीं छूट ना जाए। अब इस आईज में मैं आपको ब्रश से करके दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं मैं कितनी इजी से ब्रश से भी लगा ले रही हूँ, आप लोग भी ब्रश से ट्राई जरूर करें, जिनके पास ना हो वो फिंगर से करें। मैं इसे फिंगर से भी मिला ले रही हूँ क्योंकि दोनों आँख में मेरा इक्वल हो, कोई ख़राब ना लगे। अब मेरा आई शैडो कम्प्लीट हो गया है, अब मैं काजल की ओर चलूँगी क्योंकि बिना काजल आँख अच्छे दिखते ही नहीं है। मैं हल्का ही काजल लगाती हूँ, ज़्यादा डार्क काजल नहीं लगाती हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरा काजल भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ी सी ब्रश की मदद से आई शैडो को नीचे भी फिल करूँगी क्योंकि आज ये ट्रेंड में है, लोग नीचे भी आई शैडो लगाना अभी फैशन मान रहे हैं, इसलिए मैं सजेस्ट भी करूँगी कि नीचे ज़रूर लगाए आई शैडो, कोई भी हल्के कलर का लगाए। अब मेरा आई शैडो ऊपर नीचे दोनों सेट हो गया है। अब हम चलेंगे ब्लशिंग की ओर। ब्लशिंग के लिए हम उसी पैलेट में से, मेरा नीचे भी है ब्लशिंग कलर, कोई भी हल्का सा ले लूँगी। ऐसे मैं ले रही हूँ पिंक कलर से आई शैडो हुआ तो मैं कोई भी हल्का कलर लेकर ब्लशिंग कर लूँगी। देख रहे हैं ब्लशिंग करने से और ये गाल कितने सिंपल लग रहे हैं, ब्लशिंग करने से कितने अच्छे लग रहे हैं। ब्लशिंग हो गया है, अब मैं कंटूरिंग करूँगी। कंटूरिंग भी हो गया है, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक मैट लिपस्टिक है, आप चाहे तो कोई भी अप्लाई करें जो आपके घर में अवेलेबल हो, जैसे मैट लिपस्टिक द बेटर है। तीज के दिन थोड़े डार्क करके मैंने प्योर रेड सेट लिया है, आप डार्क करके लगाएं तो आपके लुक और भी ओवर सुंदर दिखेगा बहुत। लिपस्टिक हो गई है, अब मैं करूंगी बिंदी।
मैंने हाइलाइटर और मेकअप सेट का यूज़ नहीं किया है, आप कर सकते हैं। मैं कम केमिकल अपने स्किन पर यूज करती हूँ। ये तो तीज के लिए करना था, कर दिया। अब है मंगटीका की बारी, क्योंकि मंगटीका के बिना मेकअप लगा अधूरा अधूरा सा लगता है तीज त्योहारों में। और ये मैंने पहने हुए पहले से ही रिंग नेल पेंट भी मैंने कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब तीज के दिन जरूरी है। हाँ, बैंगल्स में गर्मी मेकअप करना था तो मैं एक ही डाली हूँ। आप पूरा सेट पहने और भी खूबसूरत दिखेगा। अब मेरा ओवर लुक तैयार है। आप बताएं मैंने कैसा मेकअप किया है। मैंने ज़्यादा भद्दे पैची मेकअप की हूँ, हल्के लाइट कलर की मेकअप की है। आपको मेकअप अच्छा लगे, आपको थोड़े से हेल्पफुल लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉच। मैं अपने पूरे लुक को एक बार से खड़े होकर आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि पूजा की थाली को कैसे सजाते हैं, क्योंकि तीज स्पेशल सप्ताह चल रहा है और इन सप्ताहों में आप सभी को तो ये वीडियो को ध्यान से देखें। ये मेरे पूरे चेहरे को देखें, मैंने ध्यान से मैं पूरा दिखा दे रही हूँ। मैंने ये कमर धनी भी पहन रखा है, क्योंकि इस दिन सारे मेकअप करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने चेहरे को पूरे मैंने लुक को आपको दिखाया है। मैंने बाल पहले से ही सेट कर रखा था। आप बताएं कैसे लग रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।